यहाँ पे टेस्ट करते हैं इसको। ये देखें, जब ये इसकी फोक लाइट है, बहुत ही ज़बरदस्त थ्रो है लाइट्स का। अभी मैंने एडजस्ट नहीं किया हुआ इसको सही से, लाइट्स को थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगी इसकी। अस्सलाम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम अपनी बाइक में एक और एक बेहतरीन लाइट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये है HJG की मिनी ड्राइव LED लाइट, और ये अभी मैंने 10,000 रुपये का पेयर लिया है। जैसे कि आपको पहले भी अगर आपने देखी हो, मेरी बाइक में ये लाइट्स इंस्टॉल हैं, ये मर्सिडीज़ वाली हैं और एक ये लाइट्स हैं। ये वाली लाइट मैंने यहाँ ऊपर लगाई हुई थी हैंडल पे, तो इसका वेट बहुत ज़्यादा था, तो इसकी वजह से बार बार लूज़ हो रहा था, तो मैंने इसको नीचे कर दिया सेफ गार्ड में। तो अब मुझे तलाश थी कि कोई ऐसी लाइट्स हों जो अच्छी भी हैं और लाइट वेट भी, जो मैं यहाँ लगा सकूँ। तो अब ये लाइट्स हमने ली हैं और इसके ऊपर डिटेल्स इसकी सारी लिखी हुई हैं। 30,000 और जिसके जो है सर्विस लाइफ है इसकी, और ये एम्पेयर वगैरह वॉट्स, डुअल लाइट है येलो एंड वाइट, और इसके अंदर DRL भी मौजूद है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये इस तरीके के बॉक्स में आती है लंच बॉक्स के अंदर। ये इसका वायरलेस रिमोट है, रिमोट या बटन कह लें, इन बटन से ये ऑपरेट होती है। ये इसका एंटीना है वायरलेस का, और बाकी ये सारी इसकी फिटिंग वगैरह है। ये छोटी सी लाइट है, क्योंकि अभी फिट होगी इंशाल्लाह, तो आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। और ये इसके अंदर फिटिंग दी हुई है, इसको हैंडल पे भी माउंट कर सकते हैं और डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। दोनों टाइप की फिटिंग इसके अंदर मौजूद हैं, तो मैं शायद डायरेक्ट लगाऊँ इसको, हैंडल पर माउंट नहीं करूँ क्योंकि क्लैम्प्स मैंने लगाए हुए हैं। तो इसको फिट कर लेते हैं। यहाँ ये हमारे ओनर भाई हैं, इनसे इसको फिट करवा रहे हैं आज। ये इनकी शॉप है बाइक्स क्लिनिक, और आज मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, क्लाउडी वेदर और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो बस अब ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह फिट हो जाएगी लाइट, तो इसका फिर आपको रिज़ल्ट भी दिखाते हैं। अच्छा जी, हमारी लाइट इंस्टॉल हो गई हैं, और ये ऊपर हैंडल पे बटन इसका हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, अलग से बटन की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। बाइक को थोड़ा स्टार्ट कर लें, ये देखेंगे, ये इसके डब वाइट एंड येलो, येलो वाइट, ये फ्लैशर है इसके अंदर। और ये बटन हम दबा के रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसका ऑपरेशन है। बाकी भी थोड़ा अंधेरा हो जाए तो थोड़ा सा इसको रोड पे लेके निकलते हैं और इसकी जो थ्रो है वो टेस्ट कराते हैं। असल में जब हाईवे पे हम लोग राइड कर रहे होते हैं तो जो हैंडल के ऊपर से फोकस आता है ना, वो सबसे बेस्ट फोकस आता है, तो इसको मैं मिस कर रहा था काफ़ी टाइम से। ये लाइट्स मैंने लगाई थी मर्सिडीज़ वाली, कि यार ऊपर से थ्रो तो बहुत अच्छा आ रहा था लेकिन इतनी भारी लाइट थी कि वो ऊपर टिक नहीं पा रही थी। तो अब ये दूसरी हल्के वेट की और अच्छी लाइट्स की लगाई हैं, तो इंशाल्लाह जो आप दूर तक जो मुझे स्पॉट चाहिए होता है ना हाईवे पे जाते पे, वो इंशाल्लाह इससे मिलेगा। और फंक्शन भी बड़े ज़बरदस्त हैं, और इसका एक और फंक्शन भी है कि हम जब इसको ऑन करेंगे, ये देखें अभी स्विच ऑफ है, ऑफ है बाइक का, ओनर भाई ऑन करना स्विच। ये इसकी DRL ऑन रहेंगी इस तरीके से, स्विच ऑफ है, ये ऑफ भी हो सकती हैं, ठीक है, बटन दबा के रखना, ये ऑफ हो गई, लेकिन खैर मैं ऑन रखूँगा क्योंकि मैं ये वाले भी DRL ऑन रखता हूँ, और ये भी तो जब अंधेरा होगा तो बड़ा ज़बरदस्त लुक आएगा। तो चलते हैं अभी ज़रा इसको रोड पर टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, अभी हम रोड पर आ गए हैं, रात का टाइम हो गया, तकरीबन 7 बज चुके हैं, 7:07, और अभी अब टेस्ट करते हैं इन लाइट्स को। वैसे तो यहाँ पे अच्छी खासी रोशनी है, वो मज़ा तो नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा डीप अंधेरे वाली जगह पे लेके चलते हैं इसको, बाइक को। खैर अभी इसकी लाइट बंद करता हूँ मैं, हेडलाइट, और ये अभी फोकस आउट है अभी इनका, वो फोकस सेट करना पड़ेगा, ये देखें, तो थोड़ा सी एडजस्टमेंट करना पड़ेगी,
ये जो है ना इसकी वाइट लाइट, इनकी वाइट लाइट है, और ये फ्लैशर है इनके अंदर। चेक करें आप ज़रा, थोड़ा अंदर अंधेरे वाली जगह जाते हैं, इसको मैं बंद कर रहा हूँ अभी, क्योंकि सामने से आ रहा ट्रैफिक और लोग परेशान होंगे। यहाँ पे टेस्ट करते हैं इसको, ये देखें जब ये इसकी फोक लाइट है, बहुत ही ज़बरदस्त रो है लाइट्स का। अभी मैंने एडजस्ट नहीं किया हुआ इसको सही से, लाइट्स को थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगी इसकी, फिर उसके बाद जो है ना इसका प्रॉपर रिजल्ट आएगा सामने। आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसका फ्लैशर्स आपको दिखाते हैं। तो एक बटन लाइट का ये जिससे मैं लाइट्स कर रहा था, अच्छा ये दूसरा बटन, ये फ्लैश के ऑप्शन है इसके अंदर, दो ऑप्शन हैं, एक फास्ट है और एक ये स्लो है। और दूसरा बटन ये लाइट्स का है, इसमें एक सिंगल वाइट है और ये अभी वाइट एंड येलो दो बोथ हैं, और उसके बाद ये सिर्फ येलो। तो ये तीन लाइट के ऑप्शन हैं और रिज़ल्ट आपके सामने, बहुत ही आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ही रिज़ल्ट है। मतलब अभी थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट मैं करूँगा, तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ाई पे हुआ हुआ अभी है, थोड़ा सा ये एडजस्ट होगा ना फोकस तो बेहतरीन हो जाएगा। तो ये इसका रिज़ल्ट था भाई, और फ्रंट से भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ, अभी फुहार पड़ना शुरू हो गई है। एक मिनट बाइक यहाँ खड़ी करते हैं, थोड़ा फ्रंट से आपको दिखाते हैं इसका लुक, ये इस तरीके से फ्रंट पे है। और अगर इसके मैं बटन दबाऊँ, इसमें ये इसके अंदर ऑप्शन है फ्लैशर का रेड एंड वाइट के, और दूसरा इसमें ऑप्शन जो है फ्लैशर का, दूसरा ही ऑप्शन है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से लाइट है, यस हाँ, ट्रैवल विद अदील नाम है चैनल का, ये भी नई लाइट्स लगाई थी तो उसका रिव्यू बना रहा था मैं, सही है, ठीक है जी। तो ये छोटा सा एक रिज़ल्ट था इसका, मुझे तो बड़ा मज़ा आया भाई, चीज़ जैसी मैं चाह रहा था वैसी ही हो गई सेटिंग। अच्छा बाकी की लाइट भी मैं चेक कर लूँ, हाँ चल रही हैं सब सही है, लाइट सारी चल रही हैं, ठीक है इसको बंद कर देते हैं इससे पहले कि सामने से आने वाला हमें बिलाव या गालियाँ दे। ये मैं हाईवे के लिए यूज़ करता हूँ ये सारी लाइट्स वगैरह जो भी हैं, और ना ये आप देख सकते हैं नॉर्मल मैंने जो इसकी अपनी स्टॉक बल्ब है वही यूज़ करता हूँ मैं, मेरे लिए यही इनफ है, शहर में चलाने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी एक्स्ट्रा लाइट की, लेकिन हाईवे पे ज़रूरत पड़ती है इन लाइट्स की, तो उसके लिए अच्छी से अच्छी लाइट्स हमें लगाना पड़ती है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था इस लाइट का, आई होप आपको पसंद आया होगा। बटन इसका रिमोटली यूज़ होता है, वायर नहीं है बटन के अंदर, ठीक है वायरलेस बटन है। तो इस व्लॉग को करते हैं एंड, इंशाल्लाह मजीद कोई आपको डिटेल चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, रिजवान ऑटो से मैंने लाइट्स परचेज़ की हैं और 10,000 मैंने आपको बता दिया था प्राइस है इसकी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।